क्या हो रहा है? कहीं कुछ अनिष्ट हो रहा है? जैसी करनी वैसी भरनी। किंतु हुआ क्या नाथ? धैर्य रखिए महादेवी, धैर्य रखिए, आप शीघ्र ही स्वयं जान जाएंगी। प्रणाम श्री हरि। हे श्री हरि, देवादिदेव महादेव शिव ने तो अग्नि देव को ही भस्म कर डाला। हे ब्रह्मदेव, ये देवराज और समस्त देवगण ये भूल जाते हैं कि विधान का नियम जैसी करनी वैसी भरनी देव दानव मानव सबके लिए होता है। ये देव अपने देवत्व के मद में कुछ भी कर डालते हैं और परिणाम स्वरूप कुछ भी अनर्थ हो जाता है। हे प्रभु, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे ही उकसाने पर अग्निदेव ने देवादिदेव महादेव और माता सती के एकांतवास में विघ्न डालने का प्रयास किया था। और आप तो भाग लिए देवराज, दंड तो बेचारे अग्निदेव को भोगना पड़ा। मैं लज्जित हूं प्रभु। किंतु श्री हरि, अग्नि के समाप्त होने के कारण संपूर्ण सृष्टि में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। श्री हरि, अग्नि को पुनः उत्पन्न करने की आवश्यकता है, अन्यथा ये संपूर्ण सृष्टि कल्प के अंत से पहले ही समाप्त हो जाएगी। हाँ, परिस्थिति तो विकट उत्पन्न हो गई है ब्रह्मदेव। ऐसी स्थिति में भगवान शिव के पास जाने का अर्थ है और संहार और विनाश। सत्य है प्रभु, किंतु अग्नि के बिना भी विनाश निश्चित है। कोई उपाय कीजिए प्रभु, कोई उपाय कीजिए। उपाय है। हमें देवादिदेव को तपस्या से प्रसन्न करना होगा। किंतु श्री हरि, जब तक वे प्रसन्न होंगे तब तक तो महाविनाश हो चुका होगा। ब्रह्मदेव, कुब्जा भ्रक ऐसा एक क्षेत्र है जहां तपस्या करने से उन्हें शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है। कुब्जा भ्रक क्षेत्र? हाँ ब्रह्मदेव, पृथ्वी पर स्थित कुब्जा भ्रक क्षेत्र परम पावन स्थली है, अतः आप शीघ्र अतिशीघ्र वहां के लिए प्रस्थान करें। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। शुभस्य शीघ्रम। प्रणाम श्री हरि। देखी महारानी आपने, उस धूर्त शिव की करनी, उसने अग्निदेव को भस्म कर दिया है जिससे कि अग्नि प्रज्वलित ही ना हो सके और हमारा यज्ञ असफल हो जाए। नहीं महाराज, अवश्य ही आपको भ्रम हुआ है। अग्निदेव ने ही कोई पाप कृत्य किया होगा जिसके कारण उन्हें ये दंड भुगतना पड़ा। नहीं महारानी, नहीं, उस धूर्त शिव को पता चल गया होगा कि हम एक विराट यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं और हमसे बैर रखने के कारण उसने अग्निदेव को भस्म कर दिया है। भला अग्निदेव कोई पाप कृत्य कैसे कर सकते हैं महारानी? नहीं महाराज, अग्निदेव ने ही कोई अनुचित कार्य किया होगा जिसके कारण शिव को उन्हें भस्म करना पड़ा होगा। आप सदैव ही उस पाखंडी का पक्ष लेती रहती हैं। उसके प्रति प्रेम ने आपको विवेक शून्य कर दिया है, इसलिए आप यथार्थ को देख कर भी अनदेखा कर रही है महारानी। नहीं महाराज, महादेव के प्रति प्रेम ने मुझे विवेक शून्य नहीं कर दिया, अपितु उनके प्रति द्वेष के कारण आपके विवेक पर अज्ञान के बादल छा गए हैं। बस महारानी बस, आपका जवाई शिव चाहे कुछ भी कर ले, हमारे ऊपर हमारे प्रभु श्री हरि विष्णु की कृपा है और उसके रहते हुए उस पाखंडी शिव की एक नहीं चलेगी, एक नहीं। प्रभु श्री हरि विष्णु और पिता श्री ब्रह्मदेव उस पाखंडी शिव को अग्निदेव को पुनर्जीवित करने के लिए विवश कर देंगे। विवश, देख लेना महारानी, वो विवश हो जाएगा। विवश।